दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हमने जुलाई मंथ में हमारे सप्लायर्स के जो टीडीएस जो डिडक्ट हमने किया है इनकम टैक्स की 194Q के सेक्शन यानी कि टीडीएस ऑन परचेज पे जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उस टीडीएस की अमाउंट को ऑनलाइन हमें किस प्रकार डिपॉजिट कराना है, उसका चालान हम किस तरीके से तैयार करेंगे, पेमेंट कोड हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा और जब हमारा ये सक्सेसफुली चालान डिपॉजिट हो जाएगा तो उस चालान को देख के उसकी एंट्री हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और वीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो भी प्रैक्टिकल वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो एंट्री कर रखी है उस एंट्री के ब्याप पर हमें टीडीएस की अमाउंट को चेक करना पड़ेगा अलग अलग व्यू से भी कितना हमें ऑनलाइन टैक्स है जो डिपॉजिट करवाना है। तो हम इसको अलग अलग एंगल से देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी बैलेंस शीट की जो हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसकी लाइबिलिटीज हम जाके चेक करते हैं। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और बैलेंस शीट पर जाने के बाद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारा टीडीएस पेबल ऑन परचेज। तो यहाँ पर इसकी जो अमाउंट आ रही है वो 752 रुपये की आ रही है। अब एक बात हमारे यहाँ से क्लियर हो गया, हमारी 752 रुपये की टीडीएस डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी बनी हुई है। अब उसके बाद में हम जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 26Q जो रिटर्न तैयार होती है उसके अंदर जाके देखते हैं भी वहाँ पर हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है। हम अलग अलग व्यू से देखेंगे ताकि हमारी जो एंट्री है वो प्रॉपर सही तरीके से हो, सही तरीके से हमारा टैक्स डिपॉजिट हो जाए। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट पर जाएंगे और फॉर्म 26Q को ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये भी हमारी 752 रुपये का जो टैक्स है वो डिडक्टेबल दिखा रहा है। तो अब हमें इस 752 रुपये की अमाउंट को ऑनलाइन डिपॉजिट करवाना है। तो सबसे पहले आप जब भी 26Q रिटर्न देखो तो आपको एक बात में ध्यान रखना है, जो हमारी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो रहेगी वो यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। ये जीरो होने के बाद में कितना आपका टैक्स है जो बनता है डिपॉजिट करवाने वाला उसके बाद ही हमें डिपॉजिट करवाना चाहिए। और ये हमारे कुछ परचेज की एंट्रियाँ थी अलग अलग पार्टी, एक पार्टी की भी हो सकती है, ये आपकी अलग अलग सप्लायर्स की भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर जो परचेज एंट्री जो कर रखी है वो एक ही पार्टी से कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो टोटल टैक्स है वो 752 रुपये का हमें डिपॉजिट करवाना है। तो इसके लिए हम ऑनलाइन पे जाएंगे और हम यहाँ पर टीडीएस पेमेंट टाइप कर देंगे। तो टीडीएस पेमेंट टाइप करने के बाद में आपके पास इस वेबसाइट पे जाना होगा, etds.tcs.tin.nsdl.com पे। इस पर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर जाना होगा क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन। इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा टीडीएस और टीसीएस में से। ये कॉलम हमें दिखाई देगा, अलग अलग टाइप के टैक्स के कॉलम है लेकिन हमें यहाँ से TDS और TCS वाले को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो अलग अलग कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पर करना है TDS और TCS वाले का कॉलम और यहाँ पर उसके बाद में प्रोसेस्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी की हमें फिलअप करनी पड़ेगी और उसके बाद में जो आपका चालान का जो नंबर हो रहा है वो 281 सेक्शन में यहाँ पर हो रहा है चालान नंबर में। और उसके बाद में अब अगर आपकी कंपनी के एक्ट में है तो आपको कंपनी डायरेक्टिव पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज आपको नॉन कंपनी डायरेक्टिव पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट में आप टीडीएस टैक्स पेबल बाई टैक्स पेयर या फिर रेगुलर असेसमेंट जो आप पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो जैसे मेरे पे ये 200 वाला टीडीएस टीसीएस पेबल बाई टैक्स पेयर, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है नेचर ऑफ पेमेंट की, यहाँ पर हम नेचर ऑफ पेमेंट को क्या सिलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो पेमेंट का जो कोड है इसका वो हमारा रहेगा 94Q, ये हमें ध्यान रखना, ये सिलेक्ट हमें करना होगा, ये 94Q का ये पेमेंट कोड है। डिडक्शन ऑन टैक्स एट शोर्स ऑन पेमेंट ऑन सेंटर सम ऑफ परचेज ऑन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा आ जाएगा परचेज ऑफ गुड्स पे, यानी कि हमें जो टीडीएस डिपॉजिट करवा रहे हैं वो हमने जो गुड्स परचेज किया था उस पर जो डिडक्ट किया है
194Q वो हमारी सेक्शन है, इसका पेमेंट कोड 94Q होता है। और उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट किया। और उसके बाद में हमें यहाँ पर 10 नंबर डालना पड़ेगा, जो आपकी कंपनी का 10 नंबर है वो 10 नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे मैं मेरी कंपनी का डाल रहा हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना होगा। अब आपका जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो 2022-23 का रहेगा, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021-22 का सेशन है जो अभी चल रहा है, तो 22-23 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। और उसके बाद में जो यहाँ पर स्टार वाले हैं कॉलम, वो हमें मैंडेटरी है, वो हमें फिलअप करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले में सिटी है वो हम फिलअप कर लेंगे, उसके बाद में हमारा जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड। अब उसके बाद में आपके पास ऑप्शनल बचते हैं, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वो आप फिलअप कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो हमें फिलअप करना होगा, और उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपसे एक बारी वेरीफाई के लिए पूछा जाएगा कि आपने जो चालान के अंदर 10 नंबर असेसमेंट ईयर जो सेलेक्ट किया वो बिल्कुल सही है, पेमेंट का कोड बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले ये चेक करना है नेचर ऑफ पेमेंट, ये 94Q होना चाहिए अगर आप TDS ऑन परचेज वाला करवा रहे हो तो। और उसके बाद में आपका असेसमेंट ईयर आपको चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, और उसके बाद में सबमिट टू दी बैंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट टू बैंक पे क्लिक करोगे, जो बैंक आपने सेलेक्ट किया था नेट बैंकिंग के दौरान, आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसे कि मैंने SBI सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ से सबमिट करूँगा, और सबमिट करने के बाद में मैं यहाँ से मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हम इंटर हो जाएंगे हमारी नेट बैंकिंग के अंदर। उसके बाद में फिर ये सारा डाटा हमारे पास ओपन हो जाएगा, सेक्शन वगैरह। उसके बाद में हमें जो टैक्स की अमाउंट है वो यहाँ पर हमें फिलअप करनी है। जो हमारा टैक्स की जो अमाउंट है वो 752 रुपये की है, तो 752 रुपये हम इस टैक्स अमाउंट में डालेंगे। अगर आपने लेट डिपॉजिट अगर आप करवा रहे हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट अलग से कैलकुलेट करनी होगी, और उसके इस इंटरेस्ट वाले कॉलम में आपको यहाँ पर वो अमाउंट देनी होगी। ऊपर जो बेसिक जो टैक्स की अमाउंट है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको जो एक्चुअल में आपका टैक्स बनता है वही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर इस अमाउंट में आपको इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना है, इंटरेस्ट की वैल्यू आपको यहाँ पर अलग से फिलअप करनी है। और उसके बाद में ऑप्शन आपके पास आएगा कन्फर्म का, जैसे आप इस पे कन्फर्म करेंगे तो हमारा जो चालान है वो ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगा। अब जैसे हमारा ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की जो चालान की कॉपी है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका 10 नंबर यहाँ पर लिखा होगा, जो रिसीवर नेम है, जो आपकी प्रोप्राइटर है आपकी कंपनी का, और उसके बाद में जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, नेचर ऑफ पेमेंट डिडक्शन ऑफ एट शोस 94Q का, और असेसमेंट ईयर आपका 22-23, यहाँ पर आपका चलान नंबर, BSR कोड, और आपकी जिस डेट को आप डिपॉजिट करा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको ड्यू मिलती है, 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक, तो आप 7 दिनों के अंदर अंदर आपको TDS जो डिपॉजिट करवाना होगा। अगर आप लेट करवाते हो तो आपके पूरे महीने का इंटरेस्ट है जो चार्ज होगा। ये तो था हमारा चलान डिपॉजिट करवाने की प्रक्रिया। अब हमें इसी चलान की एंट्री को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करना है, तो हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो इसके लिए आपको गेटवे टेली पर आके वाउचर पे आना है, और वाउचर पे आने के बाद अब आपको F5 यानी कि पेमेंट मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब पेमेंट मोड, अब यहाँ पर आप चाहो तो इसका चलान नंबर भी एक बार यहाँ पर आप डाल सकते हो, और उसके बाद में जिस तारीख को आपने डिपॉजिट कराया, मान लीजिए 7 अगस्त को आपने जमा कराया, तो यहाँ पर हम डेट है जो 7 अगस्त कर देंगे। अब उसके बाद में डेबिट हमें किसको करना होगा, TDS पेबल ऑन परचेज 194Q वाला जो लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद में अगेंस्ट रेफरेंस, ये हमारे पास विंडो ओपन होगी, TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स, तो अगेंस्ट रेफरेंस। तो अब अगेंस्ट रेफरेंस में जितने भी हमारी परचेज की एंट्री थी, और जिस परचेज एंट्री के अगेंस्ट में जितना हमने जो अमाउंट डिडक्ट किया है उस सभी को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, 200 रुपये, उसके बाद में 160, उसके बाद में अगेंस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो आपका 752 रुपये का जो टोटल है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट करते हुए
और उसके बाद में हमने SBI बैंक से डिपॉजिट कराया तो SBI बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑनलाइन और इसको करेंगे हम यहाँ से एक्सेप्ट। तो अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद में इस चालान का जो हमने जो एंट्री करी है इसको रिकनसाइल करना पड़ेगा। रिकनसाइल करने के लिए वापस हम TDS रिपोर्ट पर चलते हैं, स्टेचरी रिपोर्ट पर जाएंगे, TDS रिपोर्ट पर जाएंगे और फॉर्म 26Q को अगर हम देखेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो एक जो अमाउंट है इंक्लूड इन रिटर्न, एंटर प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पर कुछ पेमेंट की जो डिटेल हमने एंट्री करी थी वो नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें इस चालान को यहाँ से रिकनसाइलेशन करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हो TDS ऑन पेमेंट हमारे पास आएगी। अब इसको यहाँ से हम करेंगे रिकनसाइल, हम एल्ट आर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब रिकनसाइल करने के लिए अब यहाँ पे पीरियड हमें देना पड़ेगा भी कौन सा हमारा पीरियड है, ये पूरा रिटर्न के लिए हमें तैयार करना पड़ता है। अब मान लीजिए 1/7 से 31/7 रहेगा, सेक्शन 194Q रहेगी, डिडक्टेड टाइप नॉन कंपनी है, रेजिडेंस है और उसके बाद में आपका जो चेक का नंबर है, चेक की डेट नहीं है। अब उसके पास आपके पास BSR कोड, अब BSR कोड हमारे चलान पे है जैसे कि आ गया 00144031 और उसके बाद में चलान का नंबर ये आ जाएगा 01234। उसके बाद में जो चलान की डेट है वो 7 अगस्त 2021। ओके, और उसके बाद में यहाँ से बैंक को सिलेक्ट करेंगे SBI बैंक और यहाँ पे ब्रांच का नाम हम लिख देंगे जो भी आपकी ब्रांच हो और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे वो अमाउंट यहाँ से हट चुकी है और रिकनसाइल पे अब जाएंगे तो रिकनसाइल में अब आपको वो एंट्री देखने को नहीं मिलेगी। वापस हम आते हैं 26Q की तरफ। अब 26Q में अगर हम आके देखेंगे तो अब हमारी जो 752 रुपये की जो अमाउंट है इंक्लूड इन रिटर्न, अब ये जो पेमेंट की एंट्री अब यहाँ पर आपको शो करेगा और उसके बाद में अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा रिकम्प्यूट का, आप यहाँ से रिकम्प्यूट कर सकते हो उसको। अब जैसे हम रिकम्प्यूट करेंगे तो जो चालान की जो एंट्री थी वो हमारी यहाँ पर इस पेड अमाउंट के ऊपर आपको दिखाई देना शुरू कर देगा भी आपने 752 रुपये की जो एंट्री है वो पेड कर दी है और इसका जो चालान है हमने वो भी रिकनसाइल कर दिया। रिकनसाइल करने के बाद में ही आपको यहाँ पर ये एंट्री है जो दिखाई देगी। तो अब यह एक रिटर्न तैयार करते वक्त आपको सबसे पहले वो पीरियड है जो आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा वो ध्यान में रखना है, F2 करके आप 1/7 से 31/7। अगर उसके बाद में जैसे आप रिटर्न आपको तैयार करनी है तो 1 जुलाई से लेके और 30 सितंबर तक यानी कि सेकेंड क्वार्टर पूरा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे देख रहे हो 31 तारीख तक अगर हम एंट्री देखें तो जो हमारी पेड की एंट्री है वो यहाँ से हट गई है क्योंकि वो एंट्री हमने अगस्त मंथ में डिपॉजिट करवाई है तो इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसका पूरा पीरियड सेलेक्ट करोगे 1/7 से 30/9 तक का तो रिकम्प्यूट हम करेंगे तो रिकम्प्यूट करते वो एंट्री हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो उसके बाद में अगर हम हमारी टैक्स की लायबिलिटी अब देखें बैलेंस शीट में जाके, बैलेंस शीट पर जाएंगे, ड्यूटी या टैक्स पे जाएंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हो जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी हमें जो पहले दिख रही थी TDS की वो अब यहाँ से हट गई है। अगर हम इसका लेजर देखें, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे तो उसके बाद में TDS ऑन पेबल पे अगर आप एंट्री अगर हम देखेंगे कंप्लीट तो आप देख रहे हो ये 4 इनवॉइस में हमने ये TDS जो डिडक्ट किया था और उसके बाद में ये पेमेंट हमने कर दिए तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अब आपको बिल्कुल 0 दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारा 194Q का जो TDS है ऑनलाइन डिपॉजिट करवा सकते हैं और उसके बाद में इसके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री भी करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।